बस करना तुम लोगों को यही है कि जो भी सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में जितना कराया जा रहा है उसका बुकलेट और डीपीपी का क्वेश्चन प्रॉपर लगाना है। कुछ लोग करते क्या, यही गलती करते हैं कुछ लोग कि थ्योरी तो पाते हैं बट डिस्कशन में उतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट जो लोग भी चाहते हैं वहां तक पहुंचे हैं वो एक काम जरूर करो, क्योंकि फाइनली एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जब यहाँ पे बुकलेट के क्वेश्चन, डीपीपी के क्वेश्चन लगाओगे तभी तो यहाँ पर जो पेपर होगा उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और फाइनल जब एग्जाम होगा तुम्हारा उसके भी। एक ये ध्यान रखोगे हमेशा कि मुझे जब भी जिस भी सब्जेक्ट का तुम्हारा डिस्कशन हो, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें पार्टिसिपेट एक्टिवली करना है, जो भी डाउट उसको पूछना है। चलो ठीक है, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ आगे का। लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे साइक्लिक कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नेमिंग, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड सो मैं शॉर्ट में हमेशा आगे लिखने वो एफजी फंक्शनल ग्रुप, आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे है उसका पहले यहाँ पे टेबल बनाना है तुम लोगों को, और वो टेबल जब बन जाएगा वहां पे तो फिर हम लोग फिर उसको समझेंगे। मैं एक यहाँ पे एक पेज है मैं वो शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, यहाँ पे है स्क्रीन शेयर करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आता हूँ यहाँ पे। तुम लोगों को करना क्या वहाँ पे है उसको प्रॉपर नोट करना है, वहाँ पे एक टेबल उसको ड्रॉ करना है, मैं बताऊंगा बीच बीच में कैसे ड्रॉ करना है वहाँ पे है, और उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पे। तुम पहले ये हेडिंग डाल लो यहाँ पे आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, और इसके बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट में देता हूँ फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल या प्रायोरिटी टेबल, और कौन कौन सा ग्रुप रहेगा वो भी, तो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल। तो यहाँ तक नोट कर लो पहले, जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो जो टेबल है तुम लोगों को ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा टाइम लगे, तुम लोग जल्दी से ड्रॉ करो उसमें जल्दी एक्सप्लेन भी कर पाएंगे फिर वहां पे। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सब लोग नोट डाउन कर लिया होगा, वो एक ही पेज का वो टेबल बस उसको शेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। दिख रहा है सबको प्रॉपर टेबल ये है, बताओ यस ये। सर, चलो ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों को करना ये है, मैंने ये दोनों हेडिंग भी लिखे थे कि फंक्शनल ग्रुप टेबल और ये क्या रहता है फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल, और ऊपर लो स्क्रीन को। तो तुम लोगों को यही कॉलम बनाना है, ये फोर कॉलम, फंक्शनल ग्रुप का नेम, जनरल स्ट्रक्चर उसका क्या रहेगा, उसके लिए सफिक्स क्या होता है, और इसके लिए प्रीफिक्स। अभी एज इट इज कॉपी करना, मैं बताऊंगा कैसे यहाँ पे इसका क्या यूज है। तो फर्स्ट यहाँ पे है कार्बोक्लिक एसिड, तो सोबर रेटिंग यहाँ पे है, ये क्या है फर्स्ट में तुम्हारा कार्बोक्लिक एसिड, और ये सीरियल नंबर में लिखना है तुम्हें, ऐसा नहीं कि कुछ भी, क्योंकि ये सीनियरिटी टेबल है, तो जो सीनियर है जो वन है तो पहले एक कॉलम और बना सकते हो चाहो तो सीरियल नंबर का, ये वन कार्बोक्लिक एसिड, ये क्या तुम्हारा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर क्या है आर, सर वो आर का जनरल जनरल स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे आर का मतलब क्या है, जहां कहीं भी कैपिटल आर रहे तुम्हारा ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्बन चेन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो कैपिटल आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है वहां पे, तो आर का मतलब सर वो सी सफिक्स क्या है?
इसमें बताता हूँ, ये क्या है OIC, आगे क्या हाइफन लगा हुआ इसी तरीके से, और उसके बाद लिखोगे OIC, ओई के सीड, और ब्रैकेट में इसको मैं बोलता हूँ स्पेशल सफिक्स, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रैकेट में यहाँ पे इसके जस्ट नीचे तुम लोगों को लिखना इसी तरीके से जैसे है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके प्रीफिक्स क्या होगा कार्बोक्सी। सेकेंड में तुम्हारा सल्फोनिक एसिड, और इसी तरह लिखना है एज इट इज RSO3H। आप तो अल्काइल ग्रुप है, इसमें सीवेज ग्रुप को क्या बोलना हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H को क्या बोलना है इस केस में, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड। सफिक्स क्या होता है इसका सल्फोनिक एसिड ही, तो जहां पे हाइफन लगा हुआ आगे तो वहां पे हाइफन भी लगा हुआ है, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है सल्फो। थर्ड क्या है एसिड एनहाइड्राइड, AMHYDRID, एसिड एनहाइड्राइड, और इसका ग्रुप क्या है RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R, एनहाइड्राइड। सफिक्स क्या है इसका हाइफन ओइक, OIC, ओइक एनहाइड्राइड, और ब्रैकेट में क्या है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इन ब्रैकेट कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ब्रैकेट वाले सफिक्स का क्या यूज होता है, किसका क्या रहेगा तो आगे देखेंगे हम लोग, बट एज इट इज यहाँ पे तुम लोगों को कॉपी करने लगे, और इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है एसिड एनहाइड्राइड के लिए। तो सेकंड वाले का नाम क्या है, सेकंड वाले का नाम क्या है, ये सल्फोनिक एसिड है इसकी बात कर रहे हो, ये क्या है सल्फोनिक एसिड। यस सर, थैंक यू सर। तो जहां तुम्हें भी ग्रुप दिख जाए लिखा हुआ SO3H, थर्ड का सफिक्स, थर्ड का सफिक्स क्या लिखा है, थर्ड का सफिक्स क्या है हाइफन OIC, ओइक एनहाइड्राइड, हाइफन OIC, ओइक एनहाइड्राइड, ANHYDRID, ओइक एनहाइड्राइड, और इन ब्रैकेट कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हाँ बताओ कुछ बताओ, फिर ब्रेक पर तुम्हारा फिर से बताओ, स्टेबल से पहले कुछ करवाया, नहीं नहीं स्टेबल से पहले कुछ नहीं करवाया, बस यही स्टार्टिंग यहाँ से किया है, बस तुमने भी ये टेबल ड्रॉ करना है, बाकी मैंने हेडिंग दिलवाया था तो दो लाइन छोड़ दोगे, यहाँ तक कर लिए नोट डाउन, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, बाकी कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कुछ नहीं कराया गया। सर इसके सफिक्स में ब्रैकेट के एक मिनट फोर्थ के, अब यहाँ पे देखोगे इस केस में एक मिनट फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या आ रहा है कार्बोनिल CARBONYL, कार्बोनिल हैलाइड HALID, बिल्कुल पूछोगे गलत एक भी नहीं लिखोगे यहाँ पे, इनको भी कहीं भी डॉट आता है ब्रैकेट में क्या है कार्बोनिल CARBONYL HALIDE हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। और इतना अच्छे से हो जाता है इस टेबल को ड्रॉ करोगे, क्योंकि इस टेबल का आगे बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सर सिक्स्थ का प्रीफिक्स कार्बामोइल है क्या, बिल्कुल ये क्या है कार्बामोइल CARBAMOYL, कार्बामोइल BA है कार्बा MOYL, मोयल।
और सफिक्स सर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल मैं करता हूँ, बाकी यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, मैं नीचे बस धीरे धीरे कर रहा हूँ स्क्रीन को नीचे। तो सिक्स का सफिक्स, सिक्स का सफिक्स है यहाँ पे अमाइड, और स्पेशल सफिक्स क्या है ब्रैकेट में जो है मैं उसको क्या यूज कर रहा हूँ, वर्ड यूज कर रहा हूँ स्पेशल सफिक्स, और वो क्या था कार्बोक्सामाइड, सी ए आर डी ओ एक्स ए एम आई डी कार्बोक्सामाइड। सर वो जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो सिर्फ एग्जांपल है ना? नहीं एग्जांपल नहीं, उसका यूज है, वो भी एज यहाँ पे दोनों एज सफिक्स यूज करते हैं, यहाँ पे जो आ रहा था कि अमाइड भी होता है जबकि, और ये भी जो स्पेशल सफिक्स होता है इसको स्पेशल टाइम यूज करते हैं जब रिंग से कनेक्टेड हो ये ग्रुप, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, बट दोनों का एज सफिक्स यूज होता है। सर सेवन वाला एक बार रीड कर दो। सेवन में यहाँ पे है वो क्या रहा है साइनाइड या नाइट्राइल, एस वाई ए सी वाई ए एन आई डी साइनाइड, सी वाई ए एन आई डी साइनाइड और नाइट्राइल दोनों नाम से जानते हैं, एन आई टी आर आई एल नाइट्राइल। इसका ग्रुप क्या होता है यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या फिर इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है आर सी एन, दोनों लिख सकते तुम यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या फिर एक पेपर में जो रहेगा या तुम्हारा बुकलेट में जो आगे हम देखेंगे भी कि आर सी एन दोनों सेम है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड दिखा भी दिया जाए या नहीं भी दिखाया जाए सिर्फ सी एन लिखा रहा है वो भी क्या है नाइट्राइल। नॉर्मल सफिक्स क्या है नाइट्राइल, स्पेशल सफिक्स जो ब्रैकेट में उसको मैं बताता हूँ कार्बोनाइट्राइल, सी ए आर बी ओ एन आई टी आर आई एल कार्बोनाइट्राइल, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या है साइनो, सी वाई ए एन ओ साइनो। प्रॉपर तुम नंबरिंग भी दोगे, नंबरिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वॉइस ब्रेक हो रहा था, फिर से बताओ क्या पूछना चाह रहे थे। एट के सफिक्स का ब्रैकेट में क्या है, ये क्या है कार्बल डीआईड, सी ए आर बी ए एल डी ई एच वाई डी ई कार्बल डीआईड, आई रिपीट कार्बल डीआईड, सी ए आर बी ए एल डी ई एच वाई डी ई कार्बल डीआईड, लास्ट में ई भी है कार्बल डीआईड, और इसका दो दो प्रीफिक्स है फॉर्माइल और ऑक्जो, फॉर्माइल और ऑक्जो। सर वो नाइट्राइल है क्या? देखो ये क्या है नाइट्राइल, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हो, देखो मैं बताता हूँ टेबल क्या करना, पहले तुम टेबल ड्रॉ तो कर लो, कुछ लोग पूछ रहे थे प्लस करना क्या, एक का सफिक्स, एट का सफिक्स क्या है मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्या है कार्बन डीआईड, और प्रीफिक्स में फॉर्माइल या ऑक्जो दोनों में से कोई भी यूज करें, जो आगे हम देखेंगे कि कब किसको यूज करते हैं, तभी वो सिंपली एज इट इज को कॉपी करना था वहां पर। तो मैं यहाँ तक नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा नीचे करूँ इसको, अगर बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, अब तीन चार ही है। सर और कितने हैं? बस इतना ही 12 तक ही, इसके आगे नहीं, ये लास्ट है तुम्हारा 12 तक ही नोट करना है।
से 11 किस पे? बताओ क्या पूछ रहे हो, फिर से रिपीट करो। सर 11th, 11th में क्या है, ध्यान से सुनोगे इसमें, ये क्या है? थायो अल्कोहल, THIO, थायो अल्कोहल। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? RSH, OH है तो अल्कोहल। अगर OH सर है वो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या है सर? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल, FORMYL, फॉर्माइल और ऑक्सो, OXO, ऑक्सो, फॉर्माइल और ऑक्सो। सर वॉइस ब्रेक बहुत हो रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो, फिर से रिपीट करना होगा, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? चलो मैं रीड करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तुम लोग। यहाँ पे 11th में कुछ लोगों को दिक्कत था, तो वो क्या है? थायो अल्कोहल, जैसे कि OH था तो अल्कोहल और O के जगह S आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? थायो अल्कोहल। इसके लिए सफिक्स क्या था? OL। अब बहुत ही ध्यान से देखोगे एल्डिहाइड का सफिक्स क्या था? AL। ये क्या यहाँ पे AL, जबकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OL और इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। थायो अल्कोहल 11th में SH, सफिक्स क्या होता है? थायोल, THIOL, थायोल। और इसका जो प्रीफिक्स होता है मरकेप्टो, थोड़ा हाँ डिफरेंट नेम है याद रखना है, MERCAPTO, मरकेप्टो। और लास्ट तुम्हारा है अमाइन, AMINE, अमाइन। इसका सिंबल क्या होता है? RNH2। सफिक्स क्या होता है इसका? AMINE, अमाइन। और इसके लिए प्रीफिक्स अमीनो, AMINO, अमीनो। और किन्हीं को कुछ दिक्कत हो वो पूछ सकते हो अभी यहाँ पे, मतलब सिर्फ अभी नोट करना है, बाकी तो मैं बताऊंगा क्या करना है इस टेबल का। सर 8 और 9 में ऑक्सो कॉमन है? नहीं, 8 और 9 में बिल्कुल, ये जो OXO है यहाँ पे ऑक्सो और ये OX दोनों सेम ही रहता है। मैं सबका यूज बताऊंगा कि एल्डिहाइड में फॉर्माइल कब यूज करते हैं, ऑक्सो कब यूज होगा, इसमें ऑक्सो कीटो कब यूज होता है, या दोनों यूज कर सकते हैं, तो सारा एक एक पॉइंट में बताऊंगा। इवन 12 जो फंक्शन ग्रुप आ रहा है एक एक करके मैं सबका नेमिंग बताऊंगा, पहले अल्कोहल जो भी रहेगा हम वो देखेंगे। चलो टेबल तो कुछ लोग ड्रॉ कर लिए होंगे, यहाँ पे है बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो जो लोग नोट नहीं किए जल्दी से 30 सेकंड में नोट, तो ठीक है जो लोग नोट नहीं किए जल्दी से नोट करो, 10 सेकंड और भी टाइम है इसको नोट कर लो। और उसके बाद मैं बताता हूँ इसका करना क्या है इस टेबल पे। यहाँ पे चलो अब उसमें सुनोगे कुछ। यहाँ पे मैंने जो हेडिंग दिया था ऊपर वो क्या था इसमें? प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल। इसमें ग्रुप कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पे है, मैं अगर नीचे से स्टार्ट करूँ यहाँ पे है, जैसे कि अमाइन आ रहा है, तो यहाँ पे जो भी ग्रुप है उसके लिए सफिक्स होता है और ये प्रीफिक्स होता है, दो दो रहेगा वहाँ पे। सफिक्स कब यूज करते हैं, प्रीफिक्स कब यूज करेंगे वो आगे देखेंगे। बट इस टेबल में तुम्हें इतना सा याद करना है अभी कि यहाँ पे जो 12 फंक्शन ग्रुप आ रहा है उसमें सबसे बॉटम पे, देखिए यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे क्या रहा था? अमाइन। तो सबसे टेबल के बॉटम पे कौन सा है? अमाइन। और इससे ऊपर कौन सा है? थायो अल्कोहल। यहाँ पे ये मुझे पता करना कि जब टेबल सीरियल वाइज याद होगा तो जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें तो हम लोग पता कर पाएंगे कि अमाइन और थायो अल्कोहल में से सीनियर कौन सा है। तो थायो अल्कोहल 11th में आ रहा है और 12th में आ रहा है अमाइन, तो जो थायो अल्कोहल है वो अमाइन फंक्शन ग्रुप से सीनियर होता है। और थायो अल्कोहल पता कैसे करेंगे? वो थायो अल्कोहल ग्रुप है, जैसे कि सब लोगों को पता है कि OH क्या होता है? अल्कोहल। उसी तरह O को रिप्लेस करके अगर SH आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? थायो अल्कोहल।
क्लियर है यहाँ पे कि अगर एस एच रहे तो उसको क्या बोले हैं, थायो अल्कोहल। एन एच टू है वो क्या है, अमाइन। इधर भी अल्काइल ग्रुप हो, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे समझने ध्यान से सब लोगों को अभी, कि इधर भी क्या हो, आर सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी आर हो और बीच में सी डबल बॉन्ड ओ हो, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन। आर का मतलब क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप। मैं एक एग्जाम्पल हूँ यहाँ पे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये क्या है, कीटोन। या मैंने मिथाइल लिया, इधर इथाइल भी हो सकता है, इधर भी इथाइल हो सकता है। तो जब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो और बीच में सी डबल बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। अब एल्डिहाइड कैसे पता करें, सर ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड कम से कम एक साइड एक एच तो हो वहां पे, तो सी डबल बॉन्ड ओ और एच को पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क देखना है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है। एल्डिहाइड में यहाँ पे एक एच होगा, कंपल्सरी एक एच होगा तभी वो एल्डिहाइड होगा, और दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर कीटोन, वो एल्डिहाइड रह नहीं जाएगा। तो जिनमें एल्डिहाइड कीटोन में कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए सब लोगों को कि किसी भी एक, हाँ बताओ। अगर सर, अगर कार्बन ने डबल बॉन्ड कर लिया इसके साथ और सिर्फ एक ही आ रहे है तो भी वो कीटोन होगा। कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं कर पाएगा ना, अभी है ये सी डबल बॉन्ड हो आ गया तो मैं इसका कुछ दो आ रहे ना, अगर एक साइड के आर को हमने हटा दिया और उसका बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब फर्स्ट आर के साथ कर दिया तो भी कीटोन आएगा? नहीं, ये कीटोन का होता जब सी डबल बॉन्ड ओ हो, ये फिक्स है, इसके अलावा कुछ ना सकता। ये सी डबल बॉन्ड ओ हो, ये डबल बॉन्ड को हम लोग कहीं हटा नहीं सकते। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और इधर सिंगल बॉन्ड से कोई ग्रुप कनेक्टेड हो और इधर भी सिंगल बॉन्ड से कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो तभी वो कीटोन है वहां पे। इसके अलावा कुछ भी चेंज होता है तो वो कीटोन नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? इसमें क्या है, ये एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ पे तुम्हें पता करना है क्वेश्चन, ये भी मैं पूछूंगा आगे जा करके जब एग्जाम्पल इसका करेंगे, कि एल्डिहाइड और अल्कोहल, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में सीनियर कौन सा है? तो एल्डिहाइड इस टेबल में ऊपर है, दैट मीन्स एल्डिहाइड तुम्हारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल तुम्हारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। किसमें कंपेयर कर रहे हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल में, तो वहां पे अल्कोहल जूनियर ग्रुप हो गया, बट अल्कोहल और अमाइन में कंपेयर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्कोहल सीनियर ग्रुप हो जाएगा एज कम्पेयर टू अमाइन। दैट मीन्स इस टेबल में जो सबसे नीचे वो जूनियर ग्रुप और इसके ऊपर जिसमें कंपेयर करें दो के बीच में, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में कंपेयर करें, तो एल्डिहाइड टेबल में ऊपर है, दैट मीन्स एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है और नाइन्थ जो कीटोन आ रहती है क्या होगा इसमें, जूनियर ग्रुप। क्लियर है यहाँ पे? तो इस नंबरिंग का क्या बेनिफिट है यहाँ पे, इससे पता कर पाते हैं कि कौन सा ग्रुप सीनियर ग्रुप है और कौन सा जूनियर ग्रुप है, जिसका कि यूज हम लोग नेमिंग में करेंगे आगे। सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कि एल्डिहाइड इस टेबल में ऊपर है और नीचे कीटोन है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप एज कम्पेयर टू कीटोन। देखिए अब यहाँ पे नाइट्राइल आ गया, सेवंथ और एट में कंपेयर है, तो सेवंथ में क्या है, साइनाइड या नाइट्राइल, जो जो भी बोलो यहाँ पे। यहाँ पे जो नाइट्राइल है वो एल्डिहाइड से ऊपर है, वो क्या होगा यहाँ पे, अब नाइट्राइल सीनियर ग्रुप है एल्डिहाइड। इवन नाइट्राइल जो है नीचे का जितना भी ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल जो भी ग्रुप है, इस पांचों ग्रुप से सीनियर ग्रुप है नाइट्राइल। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस टेबल में जो ऊपर है वो yes. तो नीचे वाले से क्या होगा, सीनियर होगा। क्लियर है यहाँ पे है? मैं कुछ और ऊपर भी लू यहाँ पे इसको, स्क्रीन को पहले इरेज कर दो यहाँ पे। एक चीज तो क्लियर हुआ इस टेबल से यहाँ पे, इस टेबल को नंबरिंग वाइज याद करना है यहाँ पे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऊपर है और कौन सा इसमें नीचे, दैट इज ऊपर जो है वो सीनियर ग्रुप होगा और नीचे जो आ रहा है वो जूनियर ग्रुप। तो देखना मैं वो स्टार्टिंग है, देखोगे तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उस सब में सबसे सीनियर ग्रुप कौन सा रहता है यहाँ पे, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर ग्रुप है, इससे सीनियर कोई है ही नहीं, ये टॉप पे सबसे।
और इसका ग्रुप क्या होता है, कैसे पता करना है कि सर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो जहां कहीं भी सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप हो, इधर जो भी अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल हो, इथाइल प्रोफाइल जो हो, बट अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ एच दिख गया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है यहाँ पे है? और इसके लिए सफिक्स और प्रीफिक्स अभी याद करना, इसका भी मैं आगे यूज करता हूँ। सल्फोनिक एसिड SO3H कहीं पे दिख गया, दैट मींस वो क्या है, सल्फोनिक एसिड। और R क्या हो सकता है, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी ओपन चेन स्ट्रक्चर हो सकता है, जो भी रहे, बट SO3H दिखा दैट मींस सल्फोनिक एसिड। एसिड एनहाइड्राइड, जो एसिड एनहाइड्राइड है, या इसको सिंपली कई जगह एनहाइड्राइड भी लिख दिया जाता है, तो दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड या सिंपली एनहाइड्राइड। इसमें क्या होता है, इधर को अल्काइल ग्रुप है R और R, C डबल बॉन्ड O R, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर क्या आ रहा है, ईस्टर। अब मानो इस केस में कि यहाँ पे जो R आ रहा है, इस केस में फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ईस्टर में जो ये बाद वाला आ रहा है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड आ रहा है, इस R के जगह, इस R के जगह H पुट कर देते हो यहाँ पे, R C डबल बॉन्ड O O H, ये कौन सा ग्रुप बन गया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट अल्कोहल। ओ एच ग्रुप रहने से वो अल्कोहल नहीं है, यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो यहाँ पे एक ये बेसिक डिफरेंस होता है कि इस H, यहाँ पे जो R मैंने लिखा है, तो R के जगह ये H नहीं हो सकता, ये R C डबल बॉन्ड ओ आर, दैट मीन्स R के जगह कोई अल्काइल ग्रुप होगा, दैट मीन्स मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, दैट मीन्स H नहीं होगा। क्यों H नहीं होगा, H होगा तब तो वो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि कोई मिथाइल इथाइल रहेगा तब वो क्या होगा उसमें, इस्टर। क्लियर है यहाँ पे है? एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, H C डबल बॉन्ड O O CH3, इसी को समझना है यहाँ पे टेबल को, तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है तुम यहाँ पे सोच के बताना है। इसमें एल्डिहाइड है, नहीं देखना यहाँ पे, सही है बिल्कुल, ये क्या ईस्टर है यहाँ पे, ईस्टर है। कुछ लोग सोच रहे हो सर एल्डिहाइड क्यों नहीं, एल्डिहाइड में भी तो सी डबल बॉन्ड ओ एच था यहाँ पे है, बट एल्डिहाइड कब होता, जब एच सी डबल बॉन्ड ओ और इधर कोई अल्काइल ग्रुप होता, लाइक मिथाइल या इथाइल, इधर तो ओ सी एच थ्री ग्रुप है, ये ऊपर में जो ग्रुप है वो ईस्टर है, ना कि एल्डिहाइड। क्लियर है? एल्डिहाइड कब होता, जब ओ सी एच थ्री इधर नहीं होता, कोई अल्काइल ग्रुप होता, तो फिर वो एल्डिहाइड। ये कौन सा हमारा ग्रुप है इसमें, ईस्टर। तो यहाँ पे जो R है, ये जितना भी R आ रहा है यहाँ पे, इस R के जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो या H भी हो सकता है, इस R के जगह भी H हो सकता है, यहाँ भी H हो सकता है, यहाँ पर भी H हो सकता है, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकता है वहां पे। बाकी और एग्जांपल जब आएगा तो चीजें तुम्हें खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है, अब देख तुम लोगों को याद क्या करना है कि ईस्टर और एसिड हैलाइड है यहाँ पे, दो ग्रुप है, तुम इसको इरेज करो नहीं तो फिर यहाँ पे मिक्स हो जाए कुछ ये चीजें। अब यहाँ पे देखना है कि जो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और एसिड हैलाइड है, तो इन दोनों में सीनियर कौन सा होगा, ईस्टर सीनियर ग्रुप है एसिड हैलाइड से, तो जो भी ग्रुप ऊपर है नीचे वाले से वो सीनियर ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे ये टेबल ड्रॉ कर लिया, मैं कुछ समझाया हूँ, कुछ मैं चीजें और एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आता हूँ हम लोग अब यहाँ पे। सर एक्सप्लेन, हाँ बताओ, हाँ बताओ, इसमें डाउट क्या तुम्हें, एक्स का मतलब क्या है, चलो मैं ये बिल्कुल पूछोगे तो आगे आएगा वैसे। एक्स का मतलब क्या है, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो, हैलाइड का मतलब क्या, हैलोजन ग्रुप, चाहे एक्स के जगह फ्लोरिन हो सकता है, चाहे क्लोरिन हो सकता है, या ब्रोमिन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, चारों में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है वहां पे। क्लियर है यहाँ पे अब? यस सर, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी बताया था कि कहीं भी कैपिटल एक्स दिखे तो कैपिटल एक्स का केमिस्ट्री में मतलब क्या है, हैलोजन ग्रुप,
क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एक साथ इंडिकेट कराना हो तो क्या लिख देते हम लोग, कैपिटल एक्स। चलो ठीक है, आता है यहाँ पे नेक्स्ट। सर हाँ बताओ। सर मतलब अगर एक कंपाउंड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड रहा तो फिर हम कार्बोक्सल्फो और आगे का लिखेंगे ना, वहां पे हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पे इतना याद करना है कि किसी एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक भी है सल्फोनिक भी है तो उसका हम लोग नेमिंग आगे करेंगे, बट तुम्हें अभी इतना याद रखना है कि जब मैं क्वेश्चन आगे पूछूंगा निम्नलिखित टाइम कि सल्फोनिक हेड और कार्बोक्सिलिक हेड में सीनियर कौन सा है, तुम्हें वहां पे बताना है कि सर कार्बोक्सिलिक हेड सीनियर है, ये आईपीएससी ने डिसाइड किया है सीनियर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, एक टेबल आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग फिक्स है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप सीनियर है कौन सा जूनियर है यहाँ पे। मैं वही बता रहा था अभी जो तुम्हारा डाउट आ रहा था, यहाँ पे ये बेसिस हम लोगों का कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो भी आईपीएससी नेमिंग कुछ कंपाउंड का नेम लिखने के लिए यहाँ पे एक रोल दिया गया तो वही उसी के तहत ही आईपीएससी ने डिसाइड किया कि ये ग्रुप सीनियर ये जूनियर है यहाँ पे, इसका कोई अलग से बेसिस नहीं है यहाँ पे, जिससे कि नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करने में सहूलियत हो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दिया गया, इसका कोई अलग से प्रॉपर स्पेसिफिक बेसिक नहीं हम लोग बोल सकते हैं किस बेसिस पे किया गया है। चलो क्लियर है यहाँ पे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। चलो हम लोग यहाँ पे थे व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं अब यहाँ पे। अब देखो मैं कुछ चीजें अभी तुम लोगों को नोट नहीं कर रहा, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताता हूँ, तुम्हें बताना है कि वो कौन सा ग्रुप है। मान लो कि यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड हो तुम्हारा NH2 ग्रुप हो, तो जहां कहीं भी सी डबल बॉन्ड वो NH2 ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? अमाइड। तो सबसे पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो, तो सी डबल बॉन्ड हो NH2। अब जैसे कि कुछ लोग कीटोन बोल रहे थे, बट यहाँ पे कीटोन कब होता, जब इधर CH3 सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी कोई अल्काइल ग्रुप होता CH2 CH3 या कोई भी अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल जो भी रहा था, बट सी डबल बॉन्ड ओ के बाद एक भी अगर NH2 आ गया यहाँ पे से डायरेक्टली कनेक्टेड, ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अमाइड। ये चीजें ध्यान रखना यहाँ पे। इवन अगर इस HC डबल बॉन्ड ओ NH2 इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या इसमें भी अमाइड ही है? क्योंकि इधर जो R था तो R के जगह H भी हो सकता है। एल्डिहाइड कब होता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो एल्डिहाइड तब होता जब भी HC डबल बॉन्ड और इधर कोई अल्काइल ग्रुप होता CH3 तो एल्डिहाइड होता ये, बट यहाँ पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड NH2, दैट मीन्स ये क्या यहाँ पे अमाइड। ये चीजें पहले क्लियर हो, एक दो एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ जिससे कि चीजें क्लियर हो यहाँ पे। एक मान लो कि ये कंपाउंड आ गया तुम्हारा सी डबल बॉन्ड OC2H5, इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर? हाँ वो जस्ट कुछ पूछ रहे बताओ। सर वो आपने राइट साइड में लिखा ना सर, आपने जो राइट साइड में लिखा सर HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सर, वो एल्डिहाइड कैसे होगा सर? एल्डिहाइड में तो सिर्फ एक H होता है ना। एक मिनट यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एल्डिहाइड में यहाँ पे HC डबल बॉन्ड हो CH3, तो यहाँ पे ये पार्ट तो आ गया एल्डिहाइड यहाँ पे ना। ओके सर हाँ समझ गया सर। तो ठीक है सर, सही है बिल्कुल, ये कुछ बता रहे हो बता रहे हो बिल्कुल, ये क्या यहाँ पे ईस्टर, सही है सब लोगों का, ये क्या होगा ईस्टर, यहाँ पे जो भी ग्रुप हो सी डबल बॉन्ड ओ और ओ से कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो, दैट मीन्स ये क्या ईस्टर। अब इसी तरीके से मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CL, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर? एसिड हैलाइड बिल्कुल सही है, एसिड हैलाइड, बट मोर स्पेसिफिक हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि अगर Cl है इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, हैलाइड इन जनरल बोलते हैं, बट अगर स्पेसिफिक दिया है कि Cl है उसको क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। या मान लो कि Cl के जगह Br होता, तो Cl के जगह Br होता लाइक इस टाइप से ब्रोमाइन एसिड ब्रोमाइड, RC डबल बॉन्ड ओ Br, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिड ब्रोमाइड। ये क्या हो जाता है हमारा एसिड ब्रोमाइड, क्लियर है यहाँ पे। तो इन जनरल हम लोग बोलते हैं हाइलाइट जब X होता है, बट स्पेसिफिक जब Cl आ जाए तो एसिड क्लोराइड, Br आ जाए तो एसिड ब्रोमाइड, या आयोडीन आ जाता तो एसिड आयोडाइड। तो जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता पाएंगे फिर वहां पर। चलो क्लियर यहाँ तक, कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई कर पाओगे उसको वहां पर। चलो एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, उसमें तुम लोगों को बताना है कि कौन सा ग्रुप है, उसके बाद आगे हम लोग नेमिंग पे पढ़ते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे कोई सीडर ग्रुप जा रहा है ना, हाँ फिर से रिपीट करो क्या पूछ रहे हो सर, ये सीरियल वाइज याद करना है ना? बिल्कुल ये सीरियल वाइज याद करना रहेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा नहीं है 12 फंक्शनल ग्रुप है, बट थोड़ा सा तो इसको याद करना पड़ेगा और लिख के प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें याद कैसे करना है, सीरियल वाइज याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा सीनियर कौन सा जूनियर है। अब देखो यहाँ पे कोई ग्रुप हो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2, नॉर्मल स्टेप से कोई ग्रुप हो, यहाँ पर मैं बेंजीनिंग बना दो, यहाँ पर तो पूछा जाए कि इस कंपाउंड में फंक्शनल कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पर कीटोन। सही है बिल्कुल, वो क्या रहेगा कीटोन, सही है सब लोगों का। अब इसी तरीके से एक और कंपाउंड लिया जाए यहाँ पे, कोई भी कंपाउंड आई थिंक आप गेस कर सकते हो वहां पर CH3, अभी तो सामने टेबल भी बना हुआ है तो प्रॉपर याद होना चाहिए तुम्हें, सी डबल बॉन्ड हो CH3, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, एसिड और एसिड एनहाइड्राइड, ये थर्ड वाले में देखोगे उसमें सीरियल नंबर थर्ड में हो गई है, ये क्या एसिड एनहाइड्राइड। तो जहां कहीं भी सी डबल बॉन्ड हो ओ बीच में और फिर सी डबल बॉन्ड हो, इस पूरे को क्या बोलता हूँ एसिड एनहाइड्राइड या सिंपली एनहाइड्राइड। क्लियर यहाँ पे है, तो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। बाकी तो अगर कहीं पे OH ग्रुप आ रहा है तुम्हारा, ये अल्कोहल है, SH है ये क्या है खाली अल्कोहल है, NH2 ग्रुप है ये क्या है अमाइन है तुम्हारा, SO3H कहीं पे है तो क्या है तुम्हारा उसमें सल्फोनिक एसिड। तो जो भी ग्रुप है उसको मैंने उसका नेम भी पहले कॉलम में लिखा है, फिर तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और सफिक्स और प्रीफिक्स पे अभी आपके हम उसका क्या यूज है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अभी देख रहा था फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी टेबल, इस पार्ट में इसका तो टेबल ऑलरेडी देख चुके हूँ अब यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग फिर कोई भी IUPAC नेमिंग करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो पहला काम क्या होता है मेन चेन सिलेक्शन, सेकेंड नंबरिंग एंड थर्ड नेमिंग। यहाँ फिर हम लोग पुराने जो कर रहे थे इसमें मेन चेन सिलेक्शन, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका IUPAC नेमिंग में पहला काम हमेशा IUPAC है मेन चेन सिलेक्शन, तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे मेन चेन सिलेक्शन का। ये तो टेबल बस देख के उसका यूज देखेंगे आगे, मेन चेन सिलेक्शन। अब इस मेन चेन सिलेक्शन में देखना यहाँ पे कि अभी तक मेन चेन सिलेक्शन उन लोग किसको प्रायोरिटी दे रहे थे कुछ याद हो, देखो इसमें पीछे प्रिंट करके सबसे पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे, मल्टीपल बॉन्ड को उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब यहाँ पे क्या आ गया फंक्शनल ग्रुप एड हो गया, उसी में से कुछ एड ऑन हो जाएगा, सुन लोगे ध्यान से बाकी जो भी डाउट रहेगा हम लोग लेते हैं उसको। इसमें जो रहेगा सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप
और ग्रेटर देन का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा कि प्रेफरेंस देना, देन मल्टीपल बाउंड, देन मल्टीपल बाउंड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मल्टीपल बाउंड, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, दैट मीन्स मुझे उसको मेंशन लेना है जिसमें सिंगल ग्रुप प्रेजेंट हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगल ग्रुप अगर एक से ज्यादा, देखिए ओएच ओएच ये दो टू टाइम्स आ रहा है तो दोनों को लेना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं कर पाते जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उसको लेंगे वहां पे हम लोग मेन चेन एज ए मेन चेन, अगर इससे भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या लोकेंट्स बोल लो, यहाँ पे लोकेंट्स का मतलब मल्टीपल बॉन्ड या फिर क्या आ रहा है वहां पे है जो सब्स्टिट्यूएंट्स उसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट, एग्जांपल में और क्लियर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट, नेक्स्ट है इसमें लोएस्ट लोकेंट, लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट, और उससे भी डिसाइड नहीं करते हैं लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो कि मेन चेन में कभी बहुत ज्यादा यूज आता नहीं है। यहाँ पर बस मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहले क्या देखना है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और इसके बाद का तो हम पीछे भी कर सकते हैं, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते थे मेन चेन सिलेक्शन में, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम को, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या लोकेंट्स, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का लोएस्ट पोजीशन देखते थे वो मेन चेन लेते थे और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो मेन चेन सिलेक्शन में बस यही काम करना है। सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग, अब नंबरिंग देखना, यहाँ पे नंबरिंग में क्या करता हूँ इस केस में, द कार्बन एटम, अब देखो नंबरिंग में थोड़ा हमें डिफरेंट टाइप से यहाँ पे लिखूं कि जो नंबरिंग करते हैं तो टोटल जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा था वो कितना आ रहा था, यहाँ पे है 12 में से जो नंबरिंग करता मेन चेन सिलेक्शन में सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए सेम रूल आता है, बट नंबरिंग के लिए कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग हो जाता है, तो नंबरिंग जो हम लोग करते हैं यहाँ पे अभी वो कर लेते हैं, वो यहाँ पे फॉर नॉन चेन टर्मिनेटिंग, फॉर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, अब 12 फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग, इसको बस अभी नोट कर रहे हैं, एग्जांपल में क्लियर होगा ये, फॉर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और इस कैटेगरी में कौन कौन सा आता है, तो OH, अल्कोहल, कीटोन, सल्फोनिक एसिड, सॉरी कीटोन में यहाँ पे करना था, दोनों साइड थ्री बॉन्ड है, दैट मीन्स ये क्या है कीटोन, आर भी लिख देता हूँ इधर, आर और आर, कीटोन SO3H, SH, थायो अल्कोहल, NH2, ये जो ग्रुप है उसको किस कैटेगरी में रखे हुए यहाँ पे, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, बाकी जो ग्रुप रहता है फंक्शनल ग्रुप वो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रहता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इसको नॉन चेन टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं वो आगे हम लोग जस्ट अभी एग्जांपल से देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसके जो नंबरिंग है यहाँ पे इस ग्रुप के लिए, यहाँ पे इसको नंबरिंग की बात करते हैं, यहाँ पे इसमें बस एक ही पॉइंट याद रखना, यहाँ पे है कि द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप बियरिंग या कंटेनिंग द कार्बन एटम बियरिंग या कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप गिव्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यहां पे जो होगा इस केस में द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप इज गिवन
लोएस्ट पॉसिबल नंबर। क्या देना? लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना। यहाँ पर यहाँ तक तुम लोग नोट डाउन करो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक एक रूप का स्टार्ट करेंगे हम लोग। और वो जो मेन अभी एग्जाम्पल भी स्टार्ट करें पहले, हम इसके लिए देख लेंगे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए। डेट मीन्स पहले अल्कोहल, कीटोन, सल्फोनिक एसिड, हाइड्रो अल्कोहल, एन एच टू। और ये 12 फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में कैसे कैटेगराइज करते हैं तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मैंने पहले ही बताया। लास्ट पॉइंट क्या था? द कार्बन एटम बियरिंग या कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज गिवन लोएस्ट पॉसिबल नंबर। लोएस्ट पॉसिबल नंबर कर लेते हैं। द कार्बन एटम बियरिंग फंक्शनल ग्रुप इज गिवन लोएस्ट पॉसिबल नंबर। कर ले यहां तक नोट डाउन सब लोग। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते फिर हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट नाम, नेक्स्ट क्या करना होता है हम लोगों को? नेमिंग। तो नेमिंग में यहाँ पे एक पॉइंट है, और नेमिंग में यहाँ पे क्या करने का, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। Most functional group constitutes that contains simply सकते थे the senior most functional group constitutes secondary suffix। secondary suffix and other junior functional group एंड अदर जूनियर फंक्शनल ग्रुप। देखेंगे आगे हम लोग सीनियर और जूनियर कैसे डिसाइड करते हैं, बट यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, दैट मैंने दो टेबल बनाया था अगर कुछ याद हो, जो चार कॉलम था उसका जो थर्ड कॉलम था एक सफिक्स का था और एक प्रीफिक्स का था। तो जो सफिक्स यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स या सिंपली सफिक्स, वो सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ कंपाउंड में, और जो बाकी का ग्रुप होगा वो सबको जूनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। एंड अदर जूनियर फंक्शनल ग्रुप आर ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, आर ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, treated as a substituents and written as a prefix, and written as a prefix, and written as a prefix in alphabetical order। alphabetical order। और मैं रीड भी कर देता हूँ पॉइंट को। द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कंस्टिट्यूट सेकेंडरी सफिक्स एंड अदर जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे उसको कैसे लिखते हैं? रिटन एज अ प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब एक चीज क्लियर यहाँ पे करना है कि सफिक्स और प्रीफिक्स, मान लो कि तुम्हारा किसी भी एक कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में एक OH ग्रुप भी है और एक NH2 ग्रुप भी है, तो तुम किसके लिए सफिक्स लिखोगे और किसके लिए प्रीफिक्स लिखोगे? तो जो OH ग्रुप है उस टेबल से मुझे पता है कि OH ग्रुप क्या हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या होगा? सफिक्स। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स। जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, इसको अलग से नोट नहीं करना, बस पॉइंट लिखना है यहाँ पर। That means, दो एक ही कंपाउंड में अगर दो दो ग्रुप प्रेजेंट हो वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा सीनियर कौन सा जूनियर ग्रुप है। जो सीनियर ग्रुप होगा उसके लिए क्या लिखेंगे? सफिक्स। और जो जूनियर ग्रुप होगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स।
नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है कि एक कंपाउंड में अगर तीन तीन अगर ग्रुप है, मान लो कि कहीं पे OH है, SH भी है और NH2 भी है, तीन तीन ग्रुप है, तो तीनों में से सीनियर कौन सा है ये सोच के बताओ। देखो टेबल में SH तो OH सीनियर है, OH को सीनियर मानेंगे और इसके लिए सफिक्स, और अगर दो से ज्यादा प्रेजेंट है, दैट मींस 3, 4, 5 होमो प्रेजेंट है कि कंपाउंड को एक ही सीनियर मोस्ट होगा, दैट मींस एक ही सीनियर माना और बाकी को कैसे ट्रीट करना है जूनियर, ये दोनों क्या हो गया जूनियर ग्रुप। तो कोई कंपाउंड में कितना भी होमो प्रेजेंट हो बट सीनियर ग्रुप हमेशा एक ही होता है और बाकी जो भी होगा वो कैसा ग्रुप होगा जूनियर ग्रुप, और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करना है सब्स्टिट्यूएंट्स मानना उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और उसको कैसे लिखना है उसके लिए क्या हम मानेंगे प्रीफिक्स, उसके लिए क्या लिखेंगे हमेशा प्रीफिक्स जो भी जूनियर ग्रुप होगा। क्लियर अब यहाँ पे है? डाउट है। हाँ बताओ सर, जो थर्ड आपने दिया है जो थर्ड अनहाइड्राइड उसके लिए तो प्रीफिक्स दिया नहीं है, तो उसका क्या है? उसका यूज कहीं ऐसा कोई कंपाउंड आता ही नहीं जो कि वहां पे प्रीफिक्स बने, जब आईपीएससी में नहीं दिया है तो हम लोग उसमें कुछ एड ऑन नहीं कर सकते, उसका ऐसा कोई कंपाउंड आएगा ही नहीं जिसमें कि वो एज ए प्रीफिक्स यूज हो, तो कहीं उसका आईपीएससी ने ही नहीं दिया वहां पे क्या होगा। चलो देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पे, तब हम लोग नेमिंग का आते हैं कि आईपीएससी नेमिंग ऑफ सिंपली लिख लो इसमें नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी जो हम लोग करेंगे वो चेन टर्मिनेटिंग, मैंने जो पीछे नंबरिंग के लिए वो लिखा था नेमिंग ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग, और इसका वो मीनिंग भी आप समझ पाएंगे। सर तो पहले वाला टर्मिनेटिंग के लिए था क्या? हम लोग नॉन चेन के लिए लिखा हुआ पीछे देखो यहाँ पे, ये क्या था ये नॉन चेन के लिए, हम लोग इसी का एग्जांपल अब करने वाले हैं। ये रूल 3 आ गया यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन नंबरिंग, मैं यहाँ पे फिर से एक सब हेडिंग इसलिए डाल रहा हूँ कि नेमिंग ऑफ मेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन रूल, इसमें क्या क्या आ रहा था यहाँ पे अल्कोहल, पीछे देखोगे ये क्या आ रहा था यहाँ पे अल्कोहल, जो भी है यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहल है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, मैं कुछ एग्जांपल पहले बताता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3, इसके लिए मैंने रूल को पता कर लिया यहाँ पे कि मेन चेन सेलेक्ट कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करना है और नेमिंग में क्या ध्यान रखना है। अब यहाँ पे CH3 CH2 OH सेकंड एग्जांपल हो CH3 CH2 CH2 OH एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CH CH3 ये तुम्हारा थर्ड है, एक और मैं लिख लेता हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पर CH3 CH CH3 CH OH CH3 तो देख लोगे इस चार को देख लोगे ध्यान से यहाँ पर कि CH3 CH2 OH आ रहा है यहाँ पे, इसका मुझे IPS ने बताना है, IPS ने में पहला काम क्या होगा मेन चेन को सिलेक्ट करना, तो मेन चेन तो दो ही कार्बन का मेन चेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से करें यहाँ पे, तो नंबरिंग उस साइड से करना है। हाँ बताओ इथेनॉल, हाँ बिल्कुल सही है वो, इसका नेम क्या रहेगा इथेनॉल। तो देख लो ये चार मैं बताता हूँ, बाकी जब मैं पूछूंगा तो उस टाइम से बताओगे, क्योंकि बाकी लोग जिनको पता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग ध्यान से सुनोगे, इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगा तो उसमें खुद से ट्राई करूंगा। इसमें क्या होता है कि दो ही कार्बन का मेन चेन है, नंबरिंग के वहां से स्टार्ट करें हम लोग, तो नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करना है जिससे कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है, नंबर 1 मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम उसको लोएस्ट पोजिशन देना है वहां पे, यहाँ पे हम लोग 1 और 2 इसको सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एक ही ग्रुप भी है OH ही ग्रुप है, इसमें यही सीनियर हो गया, जब दो ग्रुप रहा था तभी तुम लोग कंपेयर करते हैं,
एक सीनियर एक जूनियर, जब अकेला यही है ए सीनियर है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा इसमें दो कम दो कार्बन है, पिछले वर्ड रूट क्या रहता है ए सेचुरेटेड है तो ए एन, और ओएच है यही सीनियर ग्रुप है, इसके लिए क्या लगाते हैं वो यहाँ पे सफिक्स, और इसके लिए सफिक्स क्या था जाकर के देखो टेबल में ओएल ओएल ओएल, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे तो बेसिकली इथेन का ये भी आता है इथेन प्लस ऑफ, बट मैंने पहले भी बताया है या फिर से बता रहा हूँ ई और ओ दोनों भॉवेल आ गया, दो भॉवेल एक साथ नहीं लिखते हम लोग, दैट मीन ई को हटा देते हैं, दैट मीन कंपाउंड का नेम क्या आ जाएगा इथेनॉल, सही तक वो बता रहे थे वो सही है इथेनॉल। अब नीचे वाले कंपाउंड का आते हैं, यहाँ पे जो देखोगे सेकेंड एग्जाम्पल में इसमें तीन कार्बन का मेन चेन है, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें तो नंबरिंग ऑब्वियसली है कि राइट साइड से स्टार्ट करना है, क्यों राइट साइड से क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है उसको लोएस्ट नंबर देना है, दैट मींस 1 2 3। इस कंपाउंड का नेम क्या होता है यहाँ पे तो चैट में बता रहे हो प्रोपेनॉल, ध्यान से देखोगे इसमें कि तीन कार्बन है और एक ये OH तो ग्रुप है, कार्बन तो हमारा तीन ही है, That means क्या होगा इसमें प्रोपेन, बट जो भी प्रोपेनॉल बोल रहे उसमें थोड़ा सा अभी भी गलत है वहां पे वो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पोजिशन देना मस्ट हो जाएगा कि OH ग्रुप किस पोजिशन से कनेक्टेड है, यहाँ पे है फर्स्ट पोजिशन पे तो प्रोपेन वन ऑल, जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है जिस कार्बन से उसका पोजिशन देना होगा यहाँ पे प्रोपेन वन ऑल। हाँ वो जस्ट बताओ सर, वो पहले वाले को इथाइल अल्कोहल नहीं बोल सकते? बिल्कुल मैं बता आता हूँ, दोनों कंपाउंड में एक साथ आता हुआ इसे देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इथेनॉल मेरा क्या है आईपीएससी नेम है, और इसका जब कॉमन नेम बोला जाता तो फिर वो क्या रहता है इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल इथाइल अल्कोहल ही बोलेंगे उसको, बट वो हमारा कॉमन नेम है। देखिए सेकेंड वाले का कॉमन नेम क्या बोलोगे पूछा जाए कोई भी, प्रोफाइल वन अल्कोहल, प्रोफाइल अल्कोहल, प्रोफाइल अल्कोहल, और भी मोर स्पेसिफिक क्या बताओगे इसमें कुछ और भी मैंने आगे ऐड किया था, प्रोफाइल वन अल्कोहल नहीं, विनाइल अल्कोहल नहीं, नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल, प्रोफाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल, सिंपली प्रोफाइल अल्कोहल बोलो या फिर नॉर्मल प्रोफाइल अल्कोहल, इसको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, ये भी नेम है बिल्कुल, ये भी नेम इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये नॉर्मल प्रोफाइल है, बट हम लोग यहाँ पे कौन सा नेम सीख रहे हैं अभी आईपीएससी नेम, ये चीजें हमको पहले सीख चुके हैं, चीजें आईपीएससी नेम हमेशा मेन जन सेट करके नंबरिंग करने के बाद ही करते हैं वहाँ पे, ये चीजें याद रखते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन देना क्यों मस्ट है, ऊपर में तो पोजीशन नहीं भी दिए तो चलेगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक या तो इस कार्बन से होगा या तो इस कार्बन कनेक्टेड आता है उसको वन ही मिलेगा। अब यहाँ पे ये प्रोपेन वन ऑल है, अब यहाँ पे देखना है ये जो थर्ड एग्जाम्पल उसका सेकेंड और भी क्लियर हो पाएगा यहाँ पे, सही बिल्कुल, ये क्या करोगे इसमें, अब इसमें मेन चेन ये है हमारा तीन कार्बन का मेन चेन है हमारा, अब इसमें नंबरिंग जो करते हैं हम लोग किसी भी साइड से नंबरिंग करो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, इसमें जब हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 3। हाँ कुछ पूछ रहे बताओ क्या डाउट है इसमें, अब इसका नेम रहेगा ये क्या होगा प्रोपेन, किस पोजीशन से OH ग्रुप अटैच है सेकंड कार्बन से, तो प्रोपेन टू ऑल, सही तो बता रहे थे प्रोपेन टू ऑल, यहाँ पर आप पोजिशन नहीं देते हो तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोपेन वन ऑल के बाद किया जा रहा है या प्रोपेन टू ऑल का, दोनों कंपाउंड अलग अलग है वहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पे पोजिशन देना तो मैं मस्ट है, सिर्फ प्रोपेन ऑल बोलते तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे हम लोग, अब फोर्थ एग्जाम्पल में देखना है कि मेन चेन कौन सा हो, तो मेन चेन जो रहेगा कार्बन चेन है 1 2 3 4, नीचे भी ले सकते थे 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन ही में ले लेता हूँ, ये चार कार्बन का मेन चेन, ध्यान से देखना यहाँ पे अभी, अब ये चार कार्बन का मेन चेन आ रहा है, नेम बता रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं
अब चार तार का मेन चेन नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट से, राइट से, राइट से। क्यों राइट से? राइट से इसीलिए कि जिस कार्बन से OH ग्रुप है, सीनियर, सीनियर तो खैर एक ही OH ग्रुप है तो वो सीनियर होगा ही, ये सीनियर ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले मैं किसको प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में, यहाँ पे मैं पेज को पीछे लूं, फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट, फंक्शनल ग्रुप, इसमें एक पॉइंट और ऐड, इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लोगे, ये तो मैंने लिखा ही पॉइंट यहाँ पे है, बट इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन भी जगह होगा वहां पर। जो लोएस्ट लोकेंट होता है यहाँ पे, जो लोकेशन देते हैं लोएस्ट लोकेशन या पोजीशन, जो लोएस्ट लोकेशन देते हैं सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। ये पॉइंट तो मैंने लिखा बट इसको भी एड ऑन करना था, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद किसको हम लोग देंगे प्रेफरेंस, मल्टीपल बॉन्ड को। देन और ये भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसको भी एड ऑन करोगे यहाँ पे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। देन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं हो रहा है तो फिर क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, और इससे भी डिसाइड नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक एक लाइन ये कहीं पे डाउन, कहीं पे क्या इसी के नीचे डाउन करना है, यहाँ पे नंबरिंग का ये पॉइंट लिखा है, ये मिस हो रहा था उसको भी पहले लिखना था, बट ठीक है अभी मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया है, इसको भी डाउन कर लोगे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे नंबरिंग में, किसको प्रायोरिटी देते थे, मल्टीपल बॉन्ड को। अब किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग नंबरिंग में, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को, जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट पोजीशन देना है वहां पे, लोकेशन का मतलब पोजीशन से, लोएस्ट लोकेशन किसको देना है, पोजीशन किसको देना है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप को, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट, देन अल्फाबेट कर लिया, नोट डाउन कर लिए। चलो ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पर, हाथ में यहाँ पे ये क्या है हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये सीनियर ग्रुप है OH, इसको लोएस्ट पोजीशन में देखूंगा इधर से नंबरिंग का था 1 2 3 4। अब देखने ये तो सीनियर ग्रुप है मेरा, इसके लिए क्या होगा सफिक्स, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको आगे लिखेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा, 3-methyl, चार कार्बन का मेन चेन है ब्यूटेन, इस पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप है सेकंड पोजीशन में, ब्यूटेन टू ऑल ओएल। क्लियर है, इस चारों एग्जांपल में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। अभी सर आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है, आप इससे बताओ क्या बता रहा हो सर, आपकी स्क्रीन हैंग हुई थी बीच में, अभी नहीं आ रही। ओके, तो ठीक है अभी तो प्रॉपर है यहाँ पे, तो सर आगे आप बताओ सर, तो वहाँ पे तो आईएसओ आएगा ना, आईएसओ पेंटेन सेकंड ऑल, इसमें ना आईएसओ को यहाँ पे मिक्स नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मैंने पीछे बताया हुआ था कि आईएसओ नॉर्मल प्रोफाइल सेकेंडरी टर्शियरी, वो जब कॉमन नेम की तरह यूज होगा तो फिर वहाँ पे बताना, यहाँ पे कुछ बिल्कुल, यहाँ पे नंबरिंग मेन चेन को सेट करना है, नंबरिंग करना और नेम लिखना है, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, यहाँ पे ये पूरे को मेन चेन मैंने माना है, ये तो मेन चेन सब्स्टिट्यूएंट, तो ये बचा सिर्फ मेरा, इसको नॉर्मल ग्रुप के साथ मिक्स नहीं करना यहाँ पर, 3-methyl-2-butyl अल्कोहल नहीं, वो भी नहीं लिखना वहां पर, यहाँ पे जब इसका अगर आए, और कॉमन नेम सारे कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता है, स्पेसिफिक कंपाउंड जिसका के कॉमन नेम में बताऊंगा आगे भी, बट IUPAC ने उन्होंने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर सकते हैं, कितना भी लार्ज चेन क्यों ना हो, कैसा भी साइक्लिक कंपाउंड हो वो लिख पाएंगे, तो मेनली अभी फोकस करना है IUPAC ने मिल पे, पीछे जो लोग पढ़े हुए हैं आईसो नियो सबको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कॉमन नेम की तरह था, वो हम लोग जब दोबारा आएगा तो वो देखेंगे। अभी जो तुम लोगों का मेन काम है, मेन फोकस है कि मेन चेन को सिलेक्ट करना है, नंबरिंग करना और नेम लिखना है, 2-propanol बोल सकते हैं बिल्कुल वहां पे, ये बोल सकते हैं कि propane 2-ol बोलो या फिर 2 को आगे करो, बट पोजीशन देना है,
प्रोपेन टू आ बोलो या फिर टू प्रोपेन आ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसको भी क्या बोल सकते हो, वन प्रोपेनॉल या प्रोपेन वन ऑल, दोनों करेक्ट है। क्लियर अब यहाँ पे है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कुछ और दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं फिर ठीक से आगे बढ़ते हैं उसमें। नेक्स्ट है इसमें इस कंपाउंड का कैलकुलेशन बताने क्या रहेगा। CH2OH CH2OH। अब देखो यहाँ पे इस केस में ये जो कंपाउंड आ रहा है इसमें मेन चेन को पहले सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो मेन चेन तो हमारा यही हो जाएगा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है। अब यहाँ पे देखना है कि नंबरिंग में किस साइड से करूँ, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ये सोच के बताओ। राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड से करना है, क्योंकि इधर से जब करेंगे तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजिशन, और जब इधर से कर रहे हैं नंबरिंग तो जो फ्यूर का कार्बन है जिस कार्बन से कि OH ग्रुप अटैच है उसको सेकंड मिल रहा है, तो प्रायोरिटी पहले किसको देना है यहाँ पे, तो प्रायोरिटी हमेशा पहले सीनियर ग्रुप जो प्रेजेंट है उसको देना है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड पाएंगे। यहाँ पे नंबरिंग राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है, मिथाइल किस पोजिशन पे है, थर्ड पोजिशन पे, थ्री मिथाइल, मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, हेक्स हेक्स 4 इन, इस पोजीशन पे आ रहा था डबल बॉन्ड, तो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इस नंबरिंग में, उस डबल बॉन्ड का पोजीशन मेंशन कर देना है। 3 मिथाइल, थोड़ा समझ लो वैसे कि कुछ लोग हेक्सेन डायरेक्टली लिख रहे हो, वो नहीं करना यहाँ पे, वो क्या होगा हेक्स, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है फोर्थ पोजीशन पे, दैट मीन्स पीछे का जितना भी रूल है वो तो रहेगा ही, हेक्स 4 इन, सेकंड पोजीशन पे ऑल है 2 ऑल। कुछ याद हो मैंने पीछे जो बताया था कि सबसे पहले क्या था, वर्ड रूट था मतलब बीच में, फिर प्राइमरी सफिक्स था, फिर सेकेंडरी सफिक्स था, और आगे फिर प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहाँ पे वर्ड रूट के बाद एक्स हमारा वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स दैट मीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड वो बताता है, और जो ओएल लगा हुआ है लास्ट में वो क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स, एक फंक्शन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने पहले बताया था। ये क्या होगा, 3 मिथाइल हेक्स 4 इन 2 ऑल, इस दो लास्ट में दो कंपाउंड का नेम बताओ, देखेंगे स्किप करने में। कितने कार्बन का चेन है इसमें, दो ही कार्बन का चेन है, नंबरिंग ऊपर से करो या नीचे से करो, कहीं से कर सकते हो, दो ही कार्बन ही है। इथेन सैचुरेटेड है, इथेन किस पोजीशन पे, OH ग्रुप है इसमें 1 2, पोजीशन दे भी सकते हो नहीं भी दोगे, बट बेटर प्रैक्टिस है कि पोजीशन दे दो, इथेन 1.2 डायोल, 2 टाइम्स OH ग्रुप आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, उसका लिखना वो डाई ऑल ओएल, या सिंपली इस केस में पोजीशन नहीं भी देते तो दो ही कार्बन है, बट पोजीशन नहीं दो तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे OH ग्रुप हो सकता है इस टाइप से, CH OH OH और CH2, इस कंपाउंड का नेम अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी पोजीशन देना तुम्हारा मस्ट है, पोजीशन नहीं दोगे तो रॉन्ग, 1 2 पोजीशन नहीं दोगे वो रॉन्ग हो जाएगा वहां पर। थर्ड वाले का नेम बताओ खुद से, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, सही है, बिल्कुल सब लोगों का सही है। 3 कार्बन का मेन चेन है, नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो, ऊपर से या नीचे से, ये क्या होगा प्रोपेन 1.2.3, 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स ट्रायल,
ये इसका आईपीएससी नेम है इस दोनों कंपाउंड का, बट इस दोनों कंपाउंड का कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कॉमन नेम में शॉर्ट लिखता हूँ सीएन, सीएन सीएन फॉर कॉमन नेम। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल या सिंपली ग्लाइकोल। अब ये कॉमन नेम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, वो कैसे आता है देखिए, तुम लोगों का भी दो नेम रहता है, मतलब एक घर का नेम होता है एक बाहर का, इसी तरह यहाँ पर भी इसका एक कॉमन नेम भी यूज करते हैं और ये काफी ज्यादा यही यूज किया जाता है ग्लाइकोल, या इसको इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। और जो लास्ट वाला कंपाउंड है इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम क्या होता है सीएन फॉर कॉमन नेम, और इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है ग्लिसरॉल, या कह सकते इसको ग्लिसरीन भी लिखा जाता है, बट मैक्सिमम टाइम जो क्या करना है ग्लिसरॉल। ये ग्लाइकोल जब दो कार्बन और ओएच ओएच हो, तीनों कार्बन पे एक एक ओएच लगा हो, इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है ग्लिसरॉल। क्लियर है यहाँ तक ये है तुम लोग अल्कोहल? यस सर। तो आज के लेक्चर में मैंने टेबल को देखा तो तुम लोगों का होमवर्क क्या है अभी, तो होमवर्क तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तुम लोगों का होमवर्क है इस टेबल को प्रॉपर तरीके से याद करना। कैसे याद करना है तो सीरियल वाइज याद करना है, कौन सा सीनियर ग्रुप है जूनियर कौन सा है ये पता होना चाहिए, और उसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा। बाकी और कुछ टाइम होता तो मैं इसके लिए प्रीफिक्स सफिक्स भी बता देता कि कब प्रीफिक्स यूज करते हैं कब सफिक्स, बट जो भी हो तुम्हें उसका प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है, सीनियरिटी ऑर्डर याद रखना है, और किसके लिए प्रीफिक्स क्या है और किसके लिए सफिक्स क्या है वो एक याद रखना है। अगर याद हो जाता तो एक दो बार खुद से लिख लोगे तो बिना टेबल को देखे तो फिर तुम्हें परमानेंटली याद हो जाएगा, क्योंकि वो टेबल याद नहीं होगा तो अगले लेक्चर से तुम्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बार बार तुम्हें टेबल देखना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि टेबल को लर्न कर लें, एक अलग से पेज में उसको बना करके टेबल पे रखो, बार बार देखो उसको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, 12 फंक्शन होते हैं वहाँ पर। चलो ठीक है, फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फिर जो भी तुम लोगों का डाउट रहेगा। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। सर अगला लेक्चर भी इसी लिंक से ज्वाइन करें? बिल्कुल, अगला लेक्चर भी इसी लिंक से ज्वाइन होगा, मैं उसे ग्रुप पे दोबारा सेंड करता हूँ, वहाँ पे जब भी लेक्चर शुरू होने वाला होता है तो मैं लिंक शेयर करता हूँ तुम्हें ग्रुप पे, बट फिर भी जनरली यही लिंक रहता है, जब चेंज होता है मैं अलग से बताऊंगा कि चेंज हुआ, बट ग्रुप देखोगे जैसे टाइम होता ग्रुप देख सकते हो वहाँ पर, उस लिंक से ज्वाइन। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय।